गुड मॉर्निंग स्टूडेंट, माई सेल्फ प्रदीप शर्मा। टुडे आई विल स्टार्ट योर नॉन नॉन फूड क्रॉप्स। इसमें आपके स्टूडेंट्स रबर, फाइबर क्रॉप्स में आपकी कॉटन, जूट, हेम्प एंड नेचुरल सिल्क आता है। सबसे पहले हम पढ़ेंगे आपका रबर इज ए इक्वेटोरियल क्रॉप्स। इक्वेटोरियल क्रॉप्स का मतलब है जो इक्वेटर के आसपास में पैदा की जाती है। दूसरा, ये ट्रॉपिकल और सब ट्रॉपिकल क्रॉप्स में भी आती है। ट्रॉपिकल और सब ट्रॉपिकल क्रॉप्स के बारे में हमने कल आपको बताया था कि ट्रॉपिकल और सब ट्रॉपिकल एरिया कौन सा होता है। अब रबर के लिए क्लाइमेट कौन सा है, इसमें मॉइस्ट, ह्यूमिड एंड क्लाइमेट चाहिए आपको, यानी कि मॉइस्चर वाला, ह्यूमिड वाला आपको जो है इसमें क्लाइमेट चाहिए। चीजें थोड़ा सा ध्यान करना, तीन चार चीजें ध्यान करनी होती हैं आपको किसी भी उसमें आके, क्लाइमेट कैसा है, टेम्परेचर कैसा है, उसके लिए रेनफॉल कितनी चाहिए। तो इसके लिए टेम्परेचर कितना चाहिए, +25°C, यानी 25°C से आपको टेम्परेचर ज्यादा चाहिए। रेनफॉल की बात करते तो +200 cm ईयरली, इसमें 200 cm से ज्यादा आपको बारिश चाहिए, यानी कि काफी बारिश की इसमें आवश्यकता होती है। अब इसमें करते हैं रिक्वायर्ड, इसमें लेबर के रूप में करते हैं, तो रिक्वायर्ड चीप एंड स्किल्ड लेबर, यानी कि इसमें सस्ती और जो स्किलफुल लेबर चाहिए। ऐसा नहीं है कि इसमें कोई भी जाकर काम करे, जो इस काम को सीखा हुआ हो, जिसमें उसकी टेक्निक हो, तो वो इसमें काम कर सकता है, यानी कि ऐसे कोई भी नहीं कर सकता। तो स्किल लेबर चाहिए जिसमें इसको स्किल हो। स्टेट ये कहाँ कहाँ पर पैदा होता है आपका, केरला, कर्नाटका, तमिलनाडु, अंडमान एंड निकोबार आइलैंड्स एंड गारो हिल इन मेघालय। अगर बात करते हैं तो ज्यादातर जितना भी एरिया है वहां पर हाई बारिश वाला एरिया है, आप देख सकते हैं जहां पर भी होता है ये रबड़। अब दूसरा जो आपका कोट आता है आपका कॉटन, कॉटन इज ए खरीफ क्रॉप, नीड 6 to 8 months टू बी मैच्योर। इस क्रॉप को मैच्योर होने में 6 to 8 months चाहिए। ये क्या, ब्लैक सॉइल ऑफ द डेकन प्लेटू, ब्लैक सॉइल ऑफ डेकन प्लेटू, इसे ब्लैक कॉटन सॉइल भी बोल सकते थे। कभी पीछे हमने जब जो डिफरेंट टाइप की सॉइल्स पढ़ा था तो इसे ब्लैक कॉटन सॉइल भी बोल सकते थे, क्योंकि ब्लैक में जो ब्लैक आपका सॉइल होता है उसमें कॉटन बहुत अच्छे से ग्रो होता है, कॉटन प्रोडक्शन बहुत अच्छे से होता है। इसके लिए आपको हाई टेम्परेचर चाहिए, हाई रेनफॉल चाहिए और 210 days फ्रॉस्ट फ्री डेज चाहिए, फ्रॉस्ट नहीं होना चाहिए। और एट द टाइम ऑफ द हार्वेस्टिंग देट शुड बी सनशाइन, यानी कि आपका सन अच्छे से, यानी कि गर्मी वाला मौसम आपको चाहिए। स्टेट कहाँ कहाँ पर पैदा होती है आपका, महाराष्ट्र, गुजरात, मध्य प्रदेश, कर्नाटका, आंध्र प्रदेश, तमिलनाडु, यूपी, पश्चिम बंगाल, हरियाणा और तेलंगाना, इन स्टेट्स में ये कॉटन ग्रो किया जाता है, आप देख सकते हैं। नेक्स्ट है आपका जूट, जूट इज ए गोल्डन फाइबर, जूट का दूसरा नाम आप इसको गोल्डन फाइबर भी बोल सकते हैं। हाई टेम्परेचर ड्यूरिंग द ग्रोथ, जब ये ग्रोथ करती है तो उसके लिए आपको हाई टेम्परेचर चाहिए, इसके लिए भी हैवी रेनफॉल चाहिए आपको, यानी कि +200 cm की आपको बारिश चाहिए। वेल ड्रेन्ड फर्टाइल सोइल चाहिए आपको। स्टेट कहाँ कहाँ पर ये पैदा होता है, वेस्ट बंगाल, बिहार, उड़ीसा, आसाम, मेघालय। यूज फॉर गनी बैग्स, जो गनी बैग्स बनते हैं आपकी बोरी बनते हैं, उसमें आलू भी जाता है, बहुत सारी चीज उसमें रखते हैं, रोप्स, रस्सी भी बनती है, मैट्स, चटाई भी बनती है, यार्न धागे बनते हैं, कारपेट्स, ये सब आपके बनते हैं। फेसिंग कंपटीशन फ्रॉम द सिंथेटिक फाइबर, आज की डेट में सिंथेटिक फाइबर से इसका कंपटीशन है और बहुत ज्यादा कंपटीशन है, क्योंकि सिंथेटिक फाइबर क्या होता है, बहुत सॉलिड होता है। एज कम्पेयर टू जूट रोप की बात करते हैं तो जूट रोप के मुकाबले में सिंथेटिक फाइबर काफी पावरफुल होता है और उसकी लाइफ भी लॉन्ग होती है। तो आज की डेट में टफ कंपटीशन है जूट के लिए बाय द सिंथेटिक फाइबर। अब आते हैं एग्रीकल्चर रिफॉर्म्स, एग्रीकल्चर में हमने क्या क्या सुधार किया। एग्रीकल्चर रिफॉर्म्स में हम दो प्रकार के रिफॉर्म्स देखते हैं, पहला रिफॉर्म है टेक्नोलॉजिकल रिफॉर्म और दूसरा क्या, इंस्टीट्यूशनल रिफॉर्म्स की बात करते हैं। तो सबसे पहले हम बात करेंगे टेक्नोलॉजिकल रिफॉर्म्स क्या क्या है। टेक्नोलॉजिकल ग्रीन रेवोल्यूशन 1962-1970, मैं थोड़ा सा यहाँ पर आपको बताना चाहूंगा कि जब भारत 1947 में आजाद हुआ तो सबसे पहले हमारे पास में प्रॉब्लम थी कि किस प्रकार से हम अपनी पॉपुलेशन की जो डिमांड है, फूड की डिमांड है, वो कैसे पूरी करें। तो इसके लिए हमारे यहाँ पर जो, जैसे हमारे यहाँ पे 5 years के लिए प्रधानमंत्री बनते हैं, यानी कि गवर्नमेंट चलाने का जो पूरा कैबिनेट बनता है, तो वो अपने प्लान बनाते हैं। 5 years प्लान में सबसे पहले हम लोगों ने रखा कि सबसे पहले पेट की भूख तो मिटाई जाए, तो इसके लिए हमने ग्रीन रेवोल्यूशन चलाया। ग्रीन रेवोल्यूशन स्पेशली सबसे पहले हमने क्या चलाया था, वीट के लिए लगाया था।
यानी कि गेहूं उगाने के लिए। उसके बाद हमने सभी सीरियल क्रॉप्स जितनी भी खाद्यान्न फसलें हैं जो अनाज की फसलें हैं उसके लिए चलाया था। इसके साथ साथ में हमने उससे काफी हमारा डेवलपमेंट भी हुआ और प्रोडक्शन भी हमारा इंक्रीज हुआ। और आज की डेट में हम मोस्टली क्या है, सेल्फ डिपेंडेंट इन कंसर्न ऑफ द ग्रेन्स। अभी आप देख सकते हैं जैसे महामारी COVID-19 की आ रही है तो इंडिया में सिस्टम भी चल रहा है कि वो जो PDS सिस्टम, फूड डिस्ट्रीब्यूशन सिस्टम चल रहा है, आगे हम पढ़ेंगे कि इमरजेंसी में वो देते हैं जो APL और BPL कार्ड के थ्रू, जो राशन कार्ड के थ्रू डिस्ट्रीब्यूट किया जाता है। तो ये इसी का है कि क्योंकि हमने प्रोडक्शन इतना किया है, स्टोरेज किया है FCI के थ्रू, तो ये तब से चला था 1962-1970। दूसरा आपका व्हाइट रेवोल्यूशन। व्हाइट रेवोल्यूशन से मतलब है कि आपका दूध की क्रांति से बात करेंगे आप। ऐसी हमारा जो येलो रेवोल्यूशन भी है जिसे हम दालों की क्रांति भी बोलते हैं, 1970 से स्टार्ट किया था और टिल डेट आज तक भी दूध की क्रांति चल रही है। यानी कि दूध के प्रोडक्शन के लिए हम पशुओं में नई नई जीन्स लेकर आ रहे हैं, नए नए प्रोडक्शन लेकर आ रहे हैं और नई नई उससे हम चीज़ें बना रहे हैं, यानी कि दूध पर हम काफ़ी काम कर रहे हैं। अब कम्प्रिहेंसिव लैंड डेवलपमेंट प्रोग्राम, और लैंड किस प्रकार से डेवलपमेंट किया जाए उस पर भी हम काम कर रहे हैं कि लैंड की फर्टिलिटी कैसे मेंटेन की जाए, उससे किस प्रकार का जो है प्रोडक्शन ज़्यादा लिया जाए, इंसेक्टिसाइड पेस्टिसाइड ये सारी चीज़ें हम उस पर बात कर रहे हैं। दूसरा 1982-1990 के बीच में हमने करा दी। अब मिनिमम सपोर्ट प्राइस, पहले क्या होता था कि किसान की फसल ज़्यादा हो गई तो जो भी मर्चेंट्स हैं, जो भी ट्रेडर्स हैं, उन्होंने फसल के रेट गिरा दिए। लेकिन अभी क्या है, गवर्नमेंट ने एक मिनिमम सपोर्ट प्राइस रखा एवरी ईयर एवरी क्रॉप्स के लिए, मोस्टली जो मेन क्रॉप्स हैं उसके लिए एक मिनिमम सपोर्ट प्राइस निकालते हैं। जैसे गेहूं की फसल पैदा होने वाली, जैसे हार्वेस्टिंग होने वाली है, तो गवर्नमेंट जो अपना पर क्विंटल के हिसाब से अपना रेट फिक्स करते हैं, मिनिमम रेट फिक्स ये होगा, इससे कम में किसान फसल नहीं बिकेगा। अगर किसान फसल कोई कहता है तो नहीं बेचना है, फिर जो गवर्नमेंट उससे परचेज कर लेती है। रिम्यूनरेटिव एंड द प्रोक्योरमेंट प्राइसेस, ताकि उसका जो जितना भी है ना उसको कवर हो जाए। क्रॉप्स इंश्योरेंस, अभी क्या होता है, पहले क्या था, बारिश आई, तूफान आया, बिजली के खंभे से तार टूट गया खेत में, या कोई और भी नेचुरल डाइजेस्टर्स है तो आपकी, या इंसेक्टिसाइड पेस्टिसाइड के थ्रू जो क्रॉप्स आपकी बर्बाद हो गई है तो किसान बर्बाद हो जाता था। तो इस प्रकार से क्या था, क्रॉप्स जो बर्बाद हो गई किसान भी बर्बाद हो जाता था। तो गवर्नमेंट ने क्या कहा कि क्रॉप्स के इंश्योरेंस की पॉलिसीज लागू की है। दूसरा चीज है कोऑपरेटिव सोसाइटीज। कोऑपरेटिव सोसाइटीज क्या है, किसानों की मदद करती हैं, सस्ते दामों पर बीज देती हैं और जब उसकी फसल पैदा हो जाती है उसके बाद भी उसको कर सकती है। तो कोऑपरेटिव सोसाइटीज किसानों की बहुत ज्यादा मदद करती हैं, बीज में HYV सीड्स या अदर चीज के बारे में भी देती है। फिर ग्रामों में पहले बैंक नहीं हुआ करता, ग्रामीण बैंक है जो किसानों को आराम से लोन दे देता है, क्योंकि उन्हें हार्वेस्टिंग के टाइम पे भी और सोइंग टाइम पे भी काफी जरूरत पड़ती है। वो तो इनफॉर्मल जो लोन है, जैसे लैंडलॉर्ड्स हैं या किसी और से ब्याज पर लेते हैं, तो वहां पे हाई आपका रेट ऑफ इंटरेस्ट होता है तो डेप्ट अपने फंस जाते हैं, तो वहां पे ग्रामीण बैंक की भी उसने सोच दिया। किसान क्रेडिट कार्ड, आज की डेट में किसान क्रेडिट कार्ड आप देख सकते हैं मैक्सिमम किसानों के पास में, बैंक में आपका क्रेडिट कार्ड बन गया है, बैंक में एज पर द आपकी जमीन के कैपेसिटी के ऊपर बात है, आपकी जमीन के कितना है उसके हिसाब से आपको लोन प्रोवाइड किया जाता है, और जब आपका उसको जमा कर दीजिएगा तो आपको वो दोबारा से तुरंत मिल जाता है, और इसमें सब्सिडी भी कभी कभी मिल जाती है अगर नेचुरल डाइजेस्टर या कैसी कोई चीज़ें प्रॉब्लम आ जाती है। तो ये बहुत अच्छी फैसिलिटी सारी, अभी हम पढ़ रहे हैं टेक्नोलॉजिकल रिफॉर्म्स के बारे में पढ़ रहे हैं। पर्सनल एक्सीडेंट इंश्योरेंस स्कीम, किसानों के लिए उन्होंने क्या है पर्सनल एक्सीडेंट इंश्योरेंस स्कीम भी निकाली है, किसान की अगर बाई चांस सड़क हादसे में या किसी प्रकार से भी मृत्यु हो जाती है तो गवर्नमेंट उसके लिए एक इंश्योरेंस स्कीम भी निकालती है। स्पेशल वेदर बुलेटिन, अभी हमारे कहा नेशनल पर दूरदर्शन पे कर क्या स्पेशल बुलेटिन, वेदर बुलेटिन भी देती है कि इस प्रकार का वेदर रहेगा आपको ये करना चाहिए, और जैसे दूरदर्शन पर हमें कृषि दर्शन भी आता था, रेडियो पर भी आता था, तो उसके बारे में आपको ये सारी चीजें दी गई हैं। अब रेडियो टीवी प्रोग्राम फार्मर्स के लिए भी दिया गया है, आप ये देख सकते हैं। दूसरा है एस्टेब्लिशमेंट ऑफ द इंडियन काउंसिल ऑफ द एग्रीकल्चर रिसर्च सेंटर, क्या है एग्रीकल्चर के बारे में जो नई नई रिसर्च निकाली जा रही है, नई नई हाइब्रिड के जो आपकी फसलें दिखाई जा रही हैं, भाई ये बीज बोइए, तो किसानों को अवेयर किया जा रहा है, तो उसके लिए हमने एक इंस्टीट्यूट बनाया हुआ जिसका नाम है ICAR, इंडियन काउंसिल ऑफ द एग्रीकल्चर रिसर्च। इसमें रिसर्च चलती रहती है नई नई ब्रीड के बारे में, फर्टिलिटी के बारे में, सोइल फर्टिलिटी के बारे में। एग्रीकल्चर की यूनिवर्सिटीज बनाई हुई है, वेटनरी
सर्विसेज यानी कि पशुओं को देख रेख के लिए, पशुओं में बहुत सारी बीमारी, तो वेटनरी हॉस्पिटल्स आपने देखे होंगे गाँवों में जगह जगह आपको मिलते हैं। एनिमल्स ब्रीडिंग सेंटर्स भी दिए हुए हैं जहाँ पे एनिमल्स का जो है ब्रीड तैयार किया जाता है। तो वहां पर जरूरी नहीं कि पहले तो ऐसी नेचुरल होता था, लेकिन आज की डेट में ब्रीडिंग अच्छी ब्रीड, ताकि जो अच्छी नस्ल हो जिससे दूध भी अच्छा हो और भी डेवलपमेंट हो। हॉर्टिकल्चर सेंटर्स भी हैं जहाँ पे नई नई प्रकार की सब्जियां उगाई जाती हैं या फ्रूट्स उगाए जाते हैं, इसके बारे में किसानों को अवेयर कराया जाता। अब इंस्टीट्यूशनल रिफॉर्म में कलेक्टिवाइजेशन है, कंसोलिडेशन ऑफ लैंड होल्डिंग है, एम्बोलिशन ऑफ जमींदारी। पहले क्या होता था, ये मैन बहुत इंपॉर्टेंट है, पहले क्या होता था एम्बोलिशन ऑफ जिम्मेदारी की गई, पहले जमींदारी हुआ करती, जमींदार के पास में एक गांव, दो गांव, तीन गांव हुआ करते थे, अब नहीं होते। अभी क्या वो लैंड का जो डिस्ट्रीब्यूशन कर दिया गया है, लोगों से कहा गया कि अगर लैंड छोटे छोटे हैं तो आप कलेक्टिवली काम भी कर सकते हैं उसमें, तो कलेक्टिवली बेनिफिट होगा उसमें। लैंड रिफॉर्म इन द फर्स्ट 5 ईयर्स प्लान, सबसे पहला जो फर्स्ट 5 ईयर्स प्लान था 1951 की बात करें तो उसमें लैंड के सुधार के लिए सबसे पहले काम किया गया था। अब इसके बारे में आपको बताएं, जब इंडिया आजाद हुआ तो जमींदारी सिस्टम था, तो एम्बोलिशन जमींदारी सिस्टम किया, तो ये कहां से आया कैसे आया इसके बारे में हम थोड़ा सा बात करेंगे। तो एक है आपका भूदान ग्रामदान, भूदान ग्रामदान से आपको पता चलना है कि पृथ्वी का दान देना यानी जमीन का दान देना, लैंड का दान देना या ग्राम का दान देना। तो गांधी जी क्या था, गांधी जी के एक फॉलोवर थे विनोबा भावे, जो उनके स्पिरिचुअल हायर भी थे यानी उत्तराधिकारी भी थे, उन्होंने गांधी जी के साथ में पद यात्रा भी की और वो उनके साथ चली भी थी। तो इस उनका कंसेप्ट ले हुए, उनका जो गांधी जी का उस समय कंसेप्ट क्या था, ग्राम स्वराज यानी कि ग्राम को, ग्राम भी अपने आप में स्वतंत्र होना चाहिए, वो भी आत्मनिर्भर होना चाहिए। तो जब एक बार जो विनोबा भावे जी अपना लेक्चर आंध्र प्रदेश में एक पोचमपल्ली जगह है वहां पर डिलीवर कर रहे थे, तो वहां पर एक व्यक्ति उठे जिनका नाम था रामचंद्र रेड्डी, जो एक जमींदार थे, उन्होंने जैसे कहा कि जो वहां पर जो लोगों ने, जो किसान थे छोटे किसान, उनके पास लैंड नहीं था, लैंडलेस पीपल थे, उन लोगों ने कहा कि हमारे पास लैंड नहीं, हम कैसे ये जो ग्राम स्वराज का सपना पूरा करेंगे। तो वो वहां पर उठे, उन्होंने अपनी 80 एकड़ जमीन जो लैंडलेस पीपल थे उनको दे दी। इस प्रकार से पूरे देश में एक प्रकार से ये भूदान ग्राम आंदोलन चला। तो इसको विनोबा भावे जी ने ब्रेडलेस रेवोल्यूशन भी कहा है, इसको जरूर नोट कर लेना, कभी कभी एक मार्क्स में ये आपका आ जाता है। अब आगे देखिएगा रोल ऑफ एग्रीकल्चर इन जीडीपी। आप जानते हैं कि आप बीइंग ए इंडियंस आप सभी जानते हैं कि एग्रीकल्चर का रोल कितना जीडीपी में। देखिए आज की डेट, आज भी और पहले भी जब इंडिया था तो इंडिया इज एन ए एग्रीकल्चरल कंट्री, यानी कि भारत एक कृषि प्रधान देश है, यानी कि भारत की मैक्सिमम पॉपुलेशन कृषि पर निर्भर करती है। आज भी मोर देन 50% पीपल आर एंगेज इन द एग्रीकल्चर एक्टिविटीज, बट देर इज अ वेरी लेस पार्टिसिपेशन इन इंडियन जीडीपी। अगर हम बात करते हैं 2002 से 2007 की बात करते हैं 1.7 है, और 2012 to 2017 की बात करते हैं तो 4.2 है। प्लानिंग कमीशन गवर्नमेंट ऑफ इंडिया की रिपोर्ट है ये 2011 की। क्यों, कारण क्या है, क्योंकि हमारा जो कंजप्शन है वो बहुत ज्यादा है, हमारे पास इतना टेक्नोलॉजिकली हमारे रिफॉर्म्स नहीं है, इतना डेवलपमेंट नहीं है कि एग्रीकल्चर को हम हमारा जीडीपी में हम इन्वॉल्व कर सकें, तो ये बहुत कम है। एज पर द, अगर हमारा जितना लोग लगा हुआ है मोर देन 52% लगा हुआ है तो उससे बहुत कम है। फूड सिक्योरिटी की बात करते हैं, भारत में फूड सिक्योरिटी, देखिए हमने कहा था आफ्टर द इंडिपेंडेंस सबसे पहली प्रॉब्लम थी कि हमारी फूड सिक्योरिटी होनी चाहिए, तो गवर्नमेंट ऑफ इंडिया ने सबसे पहले एक पीडीएफ सिस्टम लागू किया। पीडीएफ सिस्टम कैसे लागू, पब्लिक डिस्ट्रीब्यूशन सिस्टम इसकी फुल फॉर्म है। ये कैसे किया, गवर्नमेंट ने FCI फूड कॉरपोरेशन ऑफ इंडिया एक आपका डिपार्टमेंट है वो बनाया, हर डिस्ट्रिक्ट में एक FCI के जो ग्रीनरीज होते हैं यानी कि गोदाम्स होते हैं, वहां से क्या है वो अभी पीछे बात हुई थी, वहां पर क्या है वो स्टॉक करते हैं। अभी बात हुई थी कि गवर्नमेंट ऑफ इंडिया किसानों के लिए MSP निकालते, मिनिमम सपोर्ट प्राइस, कि आपकी इस फसल का मिनिमम जो है इतना आपका रेट है, अगर कोई नहीं खरीदता है, व्यापारी नहीं खरीदते हैं, तो फिर गवर्नमेंट उसको खरीदती है। तो उसको गवर्नमेंट खरीदने के बाद कहां रखती है, FCI के गोदामों में रखती है, और वो किनको देती है, जिनके पास जो है जो APL अबव पॉवर्टी लाइन और बिलो पॉवर्टी लाइन, इनको अनाज ग्रेन्स जो भी जरूरत की चीजें हैं वो मुहैया कराती है बहुत मिनिमम प्राइस पर। जैसे गेहूं हो गया 1 रुपए किलो, राइस हो गया आपका 2 रुपए किलो,
अभी जैसे लॉकडाउन चल रहा था आपका, अभी भी चल रहा है, तो बहुत सारे लोग बेरोजगार भी हुए हैं, तो उसमें आप देख सकते हैं, तो गवर्नमेंट ऑफ इंडिया फ्री ऑफ कॉस्ट दे रही है। कहां से आ रहा? सब एफसीआई से आ रहा है, एफसीआई के गोदामों से आ रहा है, इंडिया के पास में जो स्टॉक है वो सभी कुछ आ रहा है इसमें। तो ये चीजें आप इसमें जरूर नोट कर लेना है, जितना है उतना आप देख सकते हैं इसमें। इम्पैक्ट ऑफ द ग्लोबलाइजेशन ऑफ एग्रीकल्चर, अब आप देखिएगा भाई, जब इंडिया ब्रिटिशर्स की कॉलोनी थी तो उस समय ब्रिटिशर्स की जो मैनचेस्टर्स हैं, लीवरपूल है, मैनचेस्टर लीवरपूल है, ये जो थी वहां पर हब थे आपकी कंपनीज के, तो इनको रॉ मटेरियल चाहिए था तो कॉलोनीज से लेते थे, तो भारत से अच्छी प्रकार का कॉटन ले जाते थे, अगर नील की आवश्यकता होती थी इंडिगो क्योंकि तो तभी उगाते थे। बिहार में तो इन्होंने जो है, गांधी जी ने बिहार की बात करें तो बिहार में तो नेसेसरी कर दिया था कि भाई आप जो है इतनी नील की खेती उगाएंगे, फूड ग्रेन्स के लिए हम उन पर निर्भर होते थे। गांधी जी ने चंपारण में 1917 में जो किसानों के लिए इंडिगो प्लांटेशन के लिए जो है मूवमेंट चलाया था तो उनको थोड़ा रिलीफ मिला था, आप देख सकते हैं। तो इसके बारे में आप देखते, और क्योंकि वो लोग पहले से डेवलप थे, इंडस्ट्रियल भी डेवलपमेंट थे और कॉलोनीज भी पावर भी थी उनके पास में, तो हमारा जो कंपटीशन था, अगर आज के डेवलपमेंट में करें तो हमारा कंपटीशन बहुत ज्यादा कंपटीशन है, तो उसको करने के लिए हमने डेवलपमेंट किया, बहुत सारी टेक्नोलॉजी हमने दूसरों से बोरो भी की है और खुद में भी हमने उस पर बहुत सारा रिसर्च किया है। इस रिसर्च के लिए हमने क्या है, जीन रेवोल्यूशन चलाया। एक जीन रेवोल्यूशन क्या होता है, जेनेटिक इंजीनियरिंग इज रिकॉग्नाइज एज ए पावरफुल सप्लीमेंट इज इन्वेंसिंग द न्यू हाइब्रिड वेराइटी। हाइब्रिड वेराइटीज हमने बात की थी कि HYV सीड्स क्या होते हैं, जिनके लिए हमारे पास में केमिकल्स, इंसेक्टिसाइड या अदर चीज लगाने के, और प्रॉपर इरिगेशन सिस्टम के बाद में हम जो प्रोडक्शन जो है उसको इंक्रीज कर सकते हैं और जल्दी प्रोडक्शन ले सकते हैं। तो डियर स्टूडेंट्स, इस चैप्टर में हमारा इतना ही है, और इस चैप्टर को प्लीज आप ढंग से रीड कीजिएगा, और कोई प्रॉब्लम्स हो तो आप बार बार इसको रीड करिएगा। थैंक यू, हैव ए नाइस डे।